हेलो। सो यस, गुड इवनिंग डियर। सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस मैनी एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस। ओके, या वेरी नाइस डियर। सो नाउ वी वांट टू डिस्कस मैनी मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस। सो वेलकम ऑन सीआईजेड प्लस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट बेटा, देन यू कैन आस्क एट एनी मोमेंट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। और उससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि सीआईजेड प्लस विल प्रोवाइड इज गोइंग टू प्रोवाइड यू बेटा टेस्ट सीरीज फॉर द एसएससी जेई। तो 27 तक बेटा, ओके, थोड़ा सा चीजों को आप समझिए। जैसे अभी अपने पास लगभग 7 दिन है, 1 वीक है, तो 1 वीक तक बेटा आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उस टॉपिक को आप एक प्रॉपर वे से स्टार्ट कीजिए। प्रॉपर वे का मतलब है बेटा, एक ऐसा नहीं है कि अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप उसको डिटेल में पढ़िए, बट जस्ट टेक द की पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो की पॉइंट से फ़ायदा क्या होगा बेटा, की पॉइंट से बेनिफिट ये होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मशीन की बात करूँ, तो मशीन में क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए मैं डीसी मशीन की बात करूँ, सो सम टर्मिनल वोल्टेज गिविंग, आर्मेचर वोल्टेज गिविंग, आर ए गिविंग, देन डिटरमाइन द करंट आई ए और आर्मेचर करंट। तो इस टाइप से हल्का हल्का सा एक मतलब व्यू लीजिए ताकि एग्जामिनेशन पीरियड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, या वेरी नाइस बेटा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा आवर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन सीआईजेड प्लस। ओके, सो व्हाट इज दिस एग्जाम्पल, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ वी हैव बेटा वन सिस्टम इन दिस फैशन, ओके, एंड आई वॉन्ट टू सी बेटा दिस सिस्टम इज 1/s+1, ओके, 1/s+1, एंड हियर आई वॉन्ट टू टेल यू बेटा सम लाइक यू नो वेरी वेल सम इनपुट। सो दिस इज सम आर एस, दिस इज सम वाई एस। ओके, नाउ बेटा आई वॉन्ट टू एक्साइट दिस सिस्टम। ओके, दिस इज आवर सिस्टम बेटा। आई वॉन्ट टू एक्साइट दिस सिस्टम बाय सम 10 ∆t, 10 ∆t इज आवर इनपुट। देन बेटा वॉट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ वाई टी। ओके, सो आई वॉन्ट टू आस्क यू वॉट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ वाई टी। सो रिस्पॉन्स ऑफ वाई टी विल बी, वाई टी विल बी, योर ऑप्शन ए इज बेटा समथिंग लाइक दिस। योर रिस्पॉन्स वाई टी, टेंटेटिव रिस्पॉन्स जस्ट, ओके, वाई टी। बी ऑप्शन इज दिस वन बेटा, समथिंग लाइक दिस इज योर वाई टी, एंड सी ऑप्शन इज बेटा समथिंग लाइक दिस इज अगेन वाई टी, एंड डी ऑप्शन इज बालक विल बी दिस वन, ओके, समथिंग लाइक दिस वाई टी। सो कैन यू टेल मी बेटा व्हेन अवर सिस्टम 1/s+1, 1/s+1 इज गोइंग टू एक्साइट बाई बेटा 10 ∆t, देन वट विल बी द वाई टी। ओके, आई वॉन्ट टू आस्क यू सिंपल क्वेश्चन बेटा। या डू यू हैव एनी नॉलेज बेटा, डू यू हैव एनी आइडिया, प्लीज टेल मी वॉट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ वाई टी इफ वी वॉन्ट टू एक्साइट अवर सिस्टम 1/s+1 बाई 10 ∆t, बाई 10 ∆t। कुछ नहीं बेटा, एक सिस्टम है अपने पास, ओके, आराम से समझो, एक सिस्टम है अपने पास। क्या सिस्टम है बेटा, सिस्टम है अपने पास 1/s+1, इसको हम एक्साइट करने जा रहे हैं 10 ∆t। 10 ∆t का मतलब क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड 10 एंड फंक्शन इज इम्पल्सिव। देन वॉट विल बी द आउटपुट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन बेटा वॉट विल बी द आउटपुट, ओके, हियर दिस वन, दिस आउटपुट यू हैव टू टेल, एंड फॉर दैट बेटा वी हैव 4 ऑप्शंस, ओके, दिस वन ए बी सी डी। या कैन यू टेल मी बेटा, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है फाइनली जब हम किसी सिस्टम को बेटा 10 ∆t से एक्साइट करते हैं, ओके, 10 ∆t से एक्साइट करते हैं तो क्या होना चाहिए। आप कहेंगे सर जी एक काम करिए, मुझे आप पहले सिस्टम समझाइए, सिस्टम क्या होता है। तो देखिए बेटा, अगर किसी ने ये कहा कि यार आपका कोई सिस्टम है बेटा जिसका फंक्शन कुछ आ रहा है 1/s+1, ओके, 1/s+1, तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, वहां से क्लियर करते हैं। लेट अस अज्यूम बेटा वी हैव सम आर एल लोड वेयर आवर इंडक्टर इज इनिशियली अनचार्ज, एंड हियर बेटा आई वॉन्ट टू अप्लाई सम वी एस, दैट इज नॉट प्योर डीसी। ओके, आई विल टेल यू व्हाट व्हाट कैन बी दिस फंक्शन।
So this Vs is unknown beta. I'm not telling whether this Vs is a step or this Vs is an impulse or this Vs is exponential increasing, decreasing sinus order. Okay, so still this Vs is unknown. So I won't write beta. This Vs is unknown voltage. Unknown voltage, simple beta. Now here I want to write some R and this is our L, inductor. And I want to write beta some current I. Okay, so now what will be the circuit in frequency domain? So I can write beta the circuit in frequency domain. See properly how we can write. So R ko beta R e rakhiye and inductor in frequency domain we can write SL. And this is R beta. Here I can write some VSS. Okay, still it is unknown. So mujhe nahi pata beta, jab tak pata hi nahi hai tab tak Laplace le nahi sakte. To ye ek function ho gaya Laplace domain mein. And here I want to write some IS. Or this voltage beta, voltage across resistance, I want to write VRS. And this voltage I want to write VLS. Hopefully it is clear. तो हमने कुछ वोल्टेज मान लिया बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कुछ वोल्टेज मान लिया इंडक्टेंस के अक्रॉस। अब क्या आप मुझे बता सकते हो बालक कि व्हाट हैपेंड? या नेट इज ओके ना बेटा, स्पीड इज ओके ना बेटा? व्हाट विल बी द वीएलएस बाय वोल्टेज डिवीजन रूल? सो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल बेटा दिस वीएलएस वी कैन राइट इन प्रॉपर वे VSS into beta same impedance, so SL divided by R plus SL, total impedance of this circuit. Now beta, we can rearrange this thing. So isko kya likh sakte hain? VSS into beta SL divided by, take L common, so S plus R by L into beta L. Job is done. Okay, dekho, L and L cancel. So ye ho gaya finally VSS into beta s divided by s plus r by l. Job is done. ये दूसरा बेटा मैं VRS लिखना चाह रहा हूँ. तो देखो VRS क्या होगा? Same voltage division rule से VRS हो जाएगा बेटा VSS into beta this r divided by beta s l plus r. Okay, फिर से l common ले लो. तो r by l बाहर आ गया बेटा. R by l को मैं constant k लिख देता हूँ. VSS by s and बेटा SL by s plus r by l. Job is done. ये हो गया बेटा VRS का function और ये हो गया VLS का function. अब देखो अपना transfer function क्या दिया है बेटा. Transfer function है 1 by s plus 1. तो 1 by s plus 1 मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा YS by RS is the transfer function is given 1 by s plus 1. इसका मतलब बेटा अगर इससे हम comparison करें तो VS को भी भूल जाओ. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा VRS दिस वन बेटा VRS डिवाइडेड बाय VSS डिवाइडेड बाय VSS इज इक्वल टू बेटा K बाय S प्लस R बाय L. ओके दिस वन बेटा सॉरी नाउ बेटा समझो यहां पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय कंपैरिजन 1 और R बाय L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1. तो बेटा बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट k इक्वल टू 1 बेटा एंड r बाय l इज इक्वल टू 1. सो वी कैन राइट बेटा r इज इक्वल टू l. तो ऐसे रफली मान लेते हैं कि अगर बेटा r 0.1 है तो l भी 0.1 है, r 1 है तो l भी 1 है. ओके सॉरी सो r इज इक्वल टू l बेटा. अब ये हो गया सिस्टम. तो ऑब्जर्वेशन करो यानी कि अगर कोई सिस्टम हम ऐसा कंसीडर करते हैं बेटा तो गिवन ट्रांसफर फंक्शन इज द वोल्टेज अक्रॉस आर नॉट वोल्टेज अक्रॉस एल. क्योंकि बेटा अगर एल कंसीडर करते तो यहां पे क्या आना चाहिए था एस न्यूमरेटर में. अपने ट्रांसफर फंक्शन और गिवन ट्रांसफर फंक्शन में बेटा न्यूमरेटर में कोई एस नहीं है तो किससे कंपेयर करोगे? रेजिस्टिव वोल्टेज से ना कि इंडक्टिव वोल्टेज से. नाउ टेल मी बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? या प्लीज स्पीक अप बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? आपको ये चीज समझ में आ गई बेटा? जो डिस्कशन किया वो क्लियर हो गया? तो ये हो गया बेटा किसी रेजिस्टिव वोल्टेज को. अब आप कहेंगे सर जी इससे फायदा क्या हुआ? इससे हमें ये फायदा हुआ बेटा कि हमने वो सिस्टम समझ लिया जिस सिस्टम का ये ट्रांसफर फंक्शन रहा होगा, जिस सिस्टम का ये बेटा ट्रांसफर फंक्शन रहा होगा. डन, आगे बढ़ते हैं बेटा. सो सी व्हाट वी कैन डू नाउ बेटा. RS is given 10 del of t. अच्छा 10 del of t बेटा, यानी कि RT given है बेटा 10 del of t time domain में. इसका अगर Laplace लिया जाए बेटा तो RS क्या हो जाएगा? Only 10 because Laplace of del t is 1. So बेटा only 10. So what will be this YS in frequency domain is nothing but बेटा 1 by S plus 1 into बेटा this RS. So we can write 10 here.
अब अगर इसका इनवर्स लाप्लास ले, इनवर्स लाप्लास ले तो क्या होगा बेटा, इनवर्स लाप्लास इज नथिंग बट, बड़ा आसान है बेटा, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, बोलो बोलो, टेन इंटू ई टू पावर माइनस टी। अब बेटा इसको हमें प्लॉट करना है, तो टी इक्वल टू जीरो पुट करो तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, टेन, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करो तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जीरो। यानी कि बेटा इनिशियली हाई वैल्यू है और फाइनली बालक लो वैल्यू है, ओके, फाइनली लो वैल्यू है, तो क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ वाई ऑफ टी, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम टेन एंड टर्मिनेट एट बेटा जीरो, फाइनली टर्मिनेट एट जीरो। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ आवर फंक्शन। सो विच ऑप्शन कैन बी करेक्ट बेटा आउट ऑफ फोर ऑप्शन, फोर ऑप्शन बेटा दिस वन, सो करेक्ट ऑप्शन कैन बी दिस वन, सी, या प्लीज टेल मी बेटा इट इज क्लियर और नॉट। ओके, तो बेटा जी यहाँ पे बस आपको ये समझना पड़ेगा कि चीजें क्या चल रही हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग और आप भी नो डाउट, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए कि ऐसी कोई सीरीज चल रही है सीआईजेड प्लस में, एंड देन डेफिनेटली बेटा दिस सीरीज विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू, ओके, ये कहानी है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, होपफुली दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू, ओके। अब चलिए मैं एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ बेटा, लेट अस अज्यूम वी हैव वन बेटा डायोड हियर एंड अनदर बेटा डायोड, सॉरी रजिस्टर हियर, एंड दिस इज बेटा सम बैटरी, ओके, एंड हियर आई वांट टू राइट बेटा अनदर बैटरी एंड दिस इज बेटा सम डायोड इन दिस फैशन, ओके, एंड अगेन बेटा वी हैव सम रेजिस्टेंस इन दिस वे, ओके, सो दिस वोल्टेज बेटा इज सॉरी दिस वोल्टेज इज बेटा आई वांट टू राइट 50 वोल्ट्स, दिस बेटा रेजिस्टेंस आई वांट टू राइट 10 ओम बेटा, 10 ओम, दिस बैटरी आई वांट टू राइट बेटा 100 वोल्ट्स, एंड दिस इज आवर डायोड D1, दिस इज आवर डायोड D2, ओके, या डायोड D1 एंड D2, और इसको लिख देते हैं बेटा 5 ओम्स, और इसको लिख देते हैं 10 ओम, ठीक है। नाउ बेटा टेल मी पावर डिसिपेटेड बाय लोड रेजिस्टेंस, सिंपल क्वेश्चन बेटा, पावर डिसिपेटेड बाय लोड रेजिस्टेंस इन वॉट, एंड दैट इज आवर लोड रेजिस्टेंस, ओके, सिंपल क्वेश्चन बेटा, वी हैव टू डायोड्स D1 एंड D2, एंड नाउ वी वांट टू कैलकुलेट बेटा पावर डिसिपेटेड बाय डायोड दिस वन, सॉरी नॉट पावर डिसिपेटेड बाय लोड रेजिस्टेंस RL, ओके, चलिए बताइए बेटा क्या होना चाहिए, बताइए बालक, इतना सारा डेप्थ एनालिसिस चल रहा है और आप लोग अब्सेंट हैं, तो जैसे ही बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म मिले आपको, आप रिप्लाई करिए इस पर, कमेंट करिए कि किस टाइप का सेशन जा रहा है, अपने फ्रेंड्स को बताइए, दोस्तों को बताइए, जो भी आपके ग्रुप में है उसमें शेयर कीजिए ये वीडियो और ये लिंक बेटा, और कहीं ना कहीं जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ओके, तो चाहे आपकी बात मैं करूँ या CIZ प्लस की बात करूँ, सभी लोग बेटा मिलके, तो कहीं ना कहीं आप 100% अपना एग्जाम क्लियर करेंगे, थोड़ी सी शिद्दत की जरूरत होती है, थोड़ी सी लाइक महत्वाकांक्षाओं पे विजय पाने की जरूरत है और कुछ नहीं है बेटा, ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ बेटा कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड बाय लोड रेजिस्टेंस, या थिंक ओवर इट एंड टेल मी, पावर डिसिपेटेड बाय लोड रेजिस्टेंस दिस पर, ओके, आराम से समझिए बेटा क्या है सिस्टम, वी हैव टू डायोड्स D1 एंड D2, एंड बेटा इनपुट सप्लाई इज 50 वोल्ट, देन बेटा व्हेन अनदर सप्लाई वी हैव 100 वोल्ट, देन 10 ओम, देन 5, D2 एंड RL, इसकी पावर हमें कैलकुलेट करनी है बेटा कि ये कितनी पावर डिसिपेट करेगा, बस इतना सा क्वेश्चन है, ओके, यस, इफ एनीवन प्रेजेंट बेटा देन टेल मी what can be the correct answer for this question, okay, we have two diodes beta, ideal diodes, so no need to consider beta any turn on voltage or turn on resistance, so this is ideal, that one is also ideal, okay, this is the thing, bata sakte ho balak kya hoga voltage, sorry kya hogi power dissipated by RL,
चलिए समझते हैं बेटा इस बात को, मेरी बात समझिए बेटा, कैसे पता करें कि डायोड ऑन होगा? तो हमने यार बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का मतलब बेटा ऑलमोस्ट 11th से पढ़ते आ रहे हैं कि डायोड कैन टर्न ऑन और बेटा एन आइडियल डायोड कैन टर्न ऑन ओनली व्हेन बेटा एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज। मतलब एक ऑफ डायोड को हम तभी ऑन कर सकते हैं बेटा जब एनोड वोल्टेज कैथोड से क्या हो, ज्यादा हो। दैट मीन्स बेटा वी नो इट डायोड इज ए वोल्टेज बायस्ड डिवाइस, वोल्टेज बायस्ड डिवाइस। That means the biasing in the diode will start beta only when you apply positive voltage across this anode. Or in other words beta, anode voltage is higher than the cathode voltage. Okay? अब हमें ये देखना बेटा कि इस सर्किट में एनोड और कैथोड वोल्टेज हैं क्या डायोड्स के। ओके तो टफ नहीं है बेटा, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए हार्डली आप समझिए वाला का, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ हार्डली 10 से 20 सेकंड का ये क्वेश्चन है। ओके तो समझिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, 50 वोल्ट्स हियर एंड आई वॉन्ट टू राइट बेटा दिस डायोड इज ऑफ D1, तो मैंने इसे ऑफ मान लिया और फिर ये लगाया बेटा RE, तो ये हो गया बेटा ऐसे। फिर बेटा मैंने एक R लगाया, इस डायोड को भी ऑफ मान लिया और फिर मैंने RL लगा दिया है। तो हमारा एजम्पशन क्या बेटा, हम मानने जा रहे हैं लेट अस एज्यूम बोथ डायोड्स आर ऑफ। अब अगर बेटा दोनों डायोड ऑफ हैं तो कैसे वर्क करेंगे, पता होगा आपको, ओपन सर्किट। नाउ आई वांट टू राइट बेटा ऑल द क्वांटिटीज हियर, सो दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 10 ओम आई थिंक बेटा, दिस इज 5 ओम एंड दैट इज आल्सो 10 ओम एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू RL। एक बार मैच कर लीजिए सभी सही है बेटा, या 10 5 10 100 एंड 50। अब जरा ऑब्जर्वेशन अच्छी रखो बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ऑब्जर्वेशन इस रिस्पेक्ट में अच्छी रखो। This is the anode of beta D1. This is the cathode of D1. And similarly, beta here, this is the cathode of D2 and this is the anode of D2. So that one is D2, this one is D1. Now, beta, with respect to ground, how much voltage will appear beta at the D1 anode? See, ऐसे beta देखो, तो 50 volts आया। अच्छा, यहाँ पे कितना voltage आएगा? सोचो beta, ground के respect में। तो देखो 10 और 10 कितना है बेटा, 20 है, ये तो ओपन है ना, ओपन पड़ा हुआ है, तो कितनी करंट फ्लो होगी बेटा ऐसे बताओ जरा, 100 by 10 10 20, तो कितना हो गया बेटा 5 एम्पियर। सो 100 by 20 दिस करंट इज 5 एम्पियर। अब देखो बेटा 5 एम्पियर इंटू 10 ओम्स लॉ से कितना वोल्टेज डेवलप होगा, प्लस माइनस 50 वोल्ट्स बेटा। और अगर यहाँ प्लस माइनस 50 होगा तो ऑब्जर्वेशन अच्छी रखो, यहाँ कितना वोल्टेज डेवलप हुआ बेटा 50 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट इज नथिंग बट ओनली 50 वोल्ट। एनोड भी 50 और बेटा D1 का कैथोड भी 50, यानी कि मैं D1 के लिए लिखूं तो VAB इज 50 वोल्ट, VK बेटा इज ऑल्सो 50 वोल्ट। बाय दिस अप्रोच वी कैन राइट बेटा VAK ऑफ D1 इज नॉट ग्रेटर देन 0। एक आप समझो बेटा मोटा मोटी कि VA VK से बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो D1 क्या रहेगा बेटा, D1 हमने ऑफ माना था और ऑफ ही रहेगा, यानी कि ऑफ माना और ऑफ ही निकला। अब इसको देखो बेटा, ये तो वैसे भी मरा पड़ा हुआ है, ये ग्राउंड है बेटा, तो एनोड वोल्टेज कितना हुआ 0 और कैथोड वोल्टेज कितना हुआ बेटा 50, ये तो कभी ऑन होगा ही नहीं। तो बेटा सेकंड पार्ट के लिए या D2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, D2 के लिए बेटा VAK ऑफ D2 इज लेस देन 0, so it is a reverse bias, that is also reverse bias, दोनों reverse bias हैं। अगर बेटा दोनों को off माना है तो दोनों क्या आएंगे, reverse biased, अगर दोनों reverse biased हैं तो दोनों off है, तो कितनी power dissipate होगी बेटा इसमें RL में, देखो ये यही तो circuit बना बेटा, दोनों off हमेशा, तो ये 5 ampere current flow होगी, तो 5 ampere current and resistance, so what will be this power, I want to write here बेटा I square into RL, I is 5, so 5 square beta 25 into 10, so I won't write 5 square into 10, that is nothing but 250 watt is our final answer. Okay, abhi clear hai? To yahan pe beta apna jo power hoga dissipated by load resistance wo kitna aa jayega, 50 watt. Okay, acha itni baat bhi clear hai, chalo agla ek question dekhte hain beta. Now this is example, dekho jab bhi beta ye aap recorded form mein video dekhe और जो भी है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें,
इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपके पास कोई डाउट आता है कि सर जी मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये, तो यू जस्ट बेटा सेंड योर क्वेश्चन ऑन द CIZ प्लस ऐप, ओके, एंड डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स आई विल रिजॉल्व योर डाउट, ओके। तो मैं पूरा समय निकाल के आपके डाउट को क्लियर करूंगा बेटा, बट उससे पहले इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पढ़ना आपको है, समझना आपको है, एग्जाम आपको देना है। हम लोग का मतलब बेटा CIZ प्लस, और या मैं मान लो बेटा, हम लोग सिर्फ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजीज दे सकते हैं जिससे आप एग्जाम क्रैक कर पाओ, बट नो डाउट एट द एंड बेटा मेहनत आपको करनी है, समझना आपको है, क्योंकि एग्जाम भी आप ही लिखने जा रहे हैं, ओके। तो एग्जाम में मतलब देने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को, ओके। सो आई वॉन्ट टू गिव यू नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, सी प्रॉपरली, इट इज नॉट टू मच टफ, बहुत इजी एग्जाम्पल बेटा SSC के लेवल का। सो आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस बेटा वन कैपेसिटर हियर, एंड दिस इज बेटा सम VS, ओके, एंड दिस इज बेटा R एंड C। आई वॉन्ट राइट बेटा वैल्यू ऑफ C इज 1 farad, द वैल्यू ऑफ C इज बेटा 1 farad, द वैल्यू ऑफ R इज 1 ohm, एंड द वैल्यू ऑफ VS इज 50 volts, खत्म बात, द वैल्यू ऑफ VS इज 50 ohm, एंड हियर बेटा आई वॉन्ट टू कनेक्ट वन रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस, एंड दैट रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, ओके। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा एट वेरी वेरी लो वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, एट वेरी वेरी लो वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ओके। सी बेटा द करंट विल फ्लो इन दिस फैशन, ओके, द करंट विल फ्लो इन दिस फैशन, एंड इफ दिस बेटा वैल्यू इज वेरी वेरी हाई, देन बेटा नो करंट विल फ्लो हियर। सो आई वॉन्ट टू टेक सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड केस नॉट फर्स्ट केस, द वैल्यू ऑफ दिस R इज इनफाइनाइट ओम, खत्म बात। अब बेटा जैसे ही मैंने इनफाइनाइट लिख दिया तो मैं ये वेरिएबल वाला साइन हटा देता, so now beta here you have some resistance and the value of that resistance is infinite ohm, okay, this R value is beta infinite ohm. Now tell me steady state voltage of this capacitor, just beta steady state voltage of this capacitor in volts kya hona chahiye, यस क्या होना चाहिए बालक, आई वॉन्ट टू नो, चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। सो हियर सी बेटा एक कंसेप्ट आप मेरा सुनिए बेटा, कैपेसिटर होता क्या है, दीज टू प्लेट्स आर बेटा कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, and here beta we have some insulating material, khatam baat, and that terminal I want to A beta, that terminal I want to write B, okay, A and B. ab jara observation achhi rakho, kya kehna cha raha hu beta, agar hum log beta yahan ek battery connect kare to battery ki wajah se ek current flow hogi beta, suppose let us assume here some battery is there in this fashion, okay, so beta plus this side minus this side, so current will flow in this space. अब देखो बेटा जब करंट ऐसे फ्लो होगी तो इन कंडक्टिंग मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे, समझो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे भाई, यहां से बहुत ज्यादा करंट पास नहीं हो सकती बेटा बिकॉज इंसुलेटिंग मटेरियल, तो जैसे जैसे यहां करंट आई फ्लो होगी बेटा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आने लगेंगे इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जर्वेशन अच्छी रखो बेटा, ऐसे ऐसे जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ क्या आने लगेगा, निगेटिव चार्ज, अभी करंट फ्लो हो रही है और निगेटिव चार्ज बेटा, और करंट फ्लो हो रही है और निगेटिव चार्ज, ऐसे करते करते एक मोमेंट आएगा बेटा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हुआ बेटा एक साइड टोटली नेगेटिव आयंस और दूसरी साइड टोटली पॉजिटिव आयंस आ गए, जब बेटा एक साइड टोटली पॉजिटिव आ जाए और दूसरी साइड टोटली नेगेटिव आ जाए देन इट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ कैपेसिटर, स्टडी स्टेट कंडीशन ऑफ कैपेसिटर इन चार्जिंग केस, जब चार्ज कर रहे हैं तब बेटा, डिस्चार्ज में भी स्टडी स्टेट आता है वो अलग बात है। अब यहां पे समझो बेटा जब आपकी करंट इलेक्ट्रॉन्स बेटा फ्लो होना बंद हो गए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना बंद होंगे बेटा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब ये किससे चार्ज किया कैपेसिटर, आपने किसी DC सप्लाई से या किसी सोर्स से, तो अब जरा बेटा यहां आओ, दिस सोर्स इज बेटा 50 volt इज कनेक्टेड हियर, अब ये 50 वोल्ट से ये कैपेसिटर क्या होगा बेटा, चार्ज होगा इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज अ इनफाइनाइट बेटा, सो नो करंट विल फ्लो हियर। जब ये कैपेसिटर ऐसे चार्ज होगा बेटा तो देखो दिस साइड पॉजिटिव
एंड दैट साइड विल नेगेटिव विल अपीयर, और एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा जब बेटा यहां सिर्फ पॉजिटिव होंगे और यहां सिर्फ नेगेटिव होंगे। जैसे ये कंडीशन हो गई बेटा, आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी क्या हो गया, जीरो। जैसे ही आईसी जीरो हुआ बेटा, ये जो कैपेसिटर है कैसे वर्क करने लगेगा, ओपन सर्किट, यानी कि आपका जो सर्किट बनेगा बेटा वो ऐसा बन जाएगा स्टडी स्टेट में, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। ऐसे कैपेसिटर बेटा विल नॉट पास एनी करंट। हियर बेटा वी हैव सम 50 वोल्ट्स, हियर दिस इज आवर रेजिस्टेंस 1 ओम। तो अब देखो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आया बेटा, प्लस माइनस टोटल वोल्टेज, एंड टोटल वोल्टेज इज नथिंग बट बेटा दिस वन, सो प्लस माइनस 50 वोल्ट इन स्टडी स्टेट। सो व्हाट विल बी द स्टडी स्टेट वोल्टेज इज 50 वोल्ट्स। होपफुली इट इज क्लियर दिस वन बेटा। ओके, पक्का क्लियर है बालक? चलिए एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बेटा आई वॉन्ट टू आस्क यू अगेन वन इजी एग्जाम्पल, बट कंसेप्ट दो चार मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ तो अच्छा रहेगा। ओके, लेट अस अज्यूम बेटा वी हैव वन सिस्टम इन दिस फैशन बेटा, दिस इज द एसी सप्लाई एंड द वोल्टेज इज बेटा 100 एंगल 0 डिग्री। ओके, और यहाँ बेटा मैं मान लेता हूँ सम रेजिस्टेंस इज देयर बेटा इन दिस फैशन, सम रेजिस्टेंस इज देयर एंड हियर बेटा अनदर रेजिस्टेंस एंड समवेयर हियर बेटा वी हैव सम आर एल। ओके, एंड बेटा हियर वी हैव सम जेड ब्रांच। ओके, सो दिस वैल्यू बेटा आई वॉन्ट टू राइट रफली 10 ओम, दिस इज बेटा 10 ओम एंड इट इज बेटा 20 ओम एंड दिस इंडक्टेंस इज बेटा 10 j ohm, okay, 10 j ohm, and this is beta R, okay, so this R G I want to write, and this is Z, okay, so now beta this is kind of Wheatstone bridge, AC bridge, okay, so this is beta AC bridge, now beta I want to say at balance condition this current is zero, this current is zero, so can you tell me beta at balance condition of this bridge, I want to write beta at balanced condition. At balance condition of this bridge beta, what will be the value of Z at balance condition? Z ki value kya hogi beta at balanced condition? Okay, ab samajh raha beta balance condition kaise nikalte hain? So this is the bridge beta. अब मैं इसको मान लेता हूं कि ये बेटा अपना R1 है या Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है, तो अपोजिट आर्म्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बेटा बैलेंस में, इक्वल। तो मैं ऐसे लिख दूं बेटा अपोजिट आर्म्स में 10 इंटू जेड ये हो गया बेटा इज इक्वल टू 10 इंटू दिस, सो आई वॉन्ट राइट बेटा 10 इंटू 20 प्लस 10 j, हो गई बात क्लियर बेटा? 10 एंड 10 कैंसिल, तो Z की वैल्यू क्या हुई बेटा 20 प्लस 10 j। ओके, सो दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू बेटा दिस वन। ओके, 10 प्लस 20 j, ना बेटा सी 10 इनटू दिस मस्ट बी इक्वल टू दैट, सो Z इक्वल टू 20 प्लस 10 j, सेम वैल्यू विल कम हियर, ओनली एट इन दिस कंडीशन बेटा अवर दिस करंट कैन बी जीरो। ओके, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो होपफुली इट इज क्लियर। बोलिए बेटा इतना क्लियर है? या गुड इवनिंग अमन जैन, वेरी नाइस बेटा। तो अमन बताओ बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या था मैं बेटा एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूं। ओके, सो सी बेटा आवर क्वेश्चन वाज दिस वन, आई वांट टू रिमूव बेटा दिस वन ताकि आपको समझ में आ जाए। सो हियर दिस इज द थिंग बेटा। ओके, तो इसको भी हटा देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा समझाते हैं बेटा आपको। अमन, तो यहाँ पे अमन अपने पास एक आर जी है बेटा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एंड हियर बेटा वी हैव सम जेड। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर ये एसी ब्रिज है, और ये एसी ब्रिज है बेटा, ओके, ये मैं आपसे बोल देता हूँ एसी ब्रिज है, एंड इन बैलेंस कंडीशन बेटा, बैलेंस कंडीशन वी नो इट करंट थ्रू दिस बेटा विल बी 0 एम्पियर। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ एट बैलेंस कंडीशन बेटा इस जेड की वैल्यू क्या होगी? तो देखो बैलेंस कंडीशन कैसे निकालते हैं बेटा, दिस इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, मतलब फर्स्ट आर्म इंटू बेटा सेकेंड आर्म इज इक्वल टू थर्ड आर्म इंटू फोर्थ आर्म, यही बेटा यहाँ लिख दिया। तो यहां से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल दिस वन। या अमन, इट इज क्लियर और नॉट बेटा, प्लीज टेल मी।
अमन, आई थिंक इट इज क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं. ओके, सो ऑब्जर्वेशन अच्छी रखिएगा. नाउ बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन सीआईजेड प्लस. तो सीआईजेड प्लस बेटा, अमन आपको थैंक यू. अमन आपको बेटा एक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा है. अगर आप इस टेस्ट सीरीज में देखेंगे तो बेटा आपको तीन टेस्ट मिलेंगे, वन टेक्निकल, सॉरी टू टेक्निकल बेटा, एंड वन इज नॉन टेक्निकल. ओके, तो इसको जरूर अटेंड करिएगा सीआईजेड प्लस के ऐप से. नाउ बेटा, आई वॉन्ट टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बेटा, वी हैव वन इंडक्टर बेटा, वी हैव वन इंडक्टर, एंड करेंट थ्रू दिस इंडक्टर बेटा, ILT, आई वॉन्ट टू से. ठीक है अमन, मेरी बात सुनो बेटा, एक इंडक्टर है बेटा और इसके थ्रू एक करेंट फ्लो हो रही है, बस इतना क्वेश्चन है बेटा. दिस इज अवर एग्जाम्पल. सो वी हैव वन इंडक्टर बेटा, एंड वन करेंट फ्लोस थ्रू दिस इंडक्टर इज ILT, एंड बेटा दिस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VLT. इतनी बात कही जा रही है कि इंडक्टर वोल्टेज बेटा VLT है और करेंट बेटा आपका ILT है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बेटा. अब समझिए मेरी बात, ये बोला जा रहा है VLT इज नॉट इम्पल्सिव फंक्शन, इज नॉट बेटा इम्पल्सिव वोल्टेज, इम्पल्सिव वोल्टेज इसके अलावा कुछ भी हो सकता है बेटा. VLT इज नॉट इम्पल्सिव वोल्टेज और इट कैन बी एनीथिंग बेटा, इंपल्सिव वोल्ट के छोड़ के सब कुछ हो सकता है जो आप मानो. ओके, सो VLT बेटा कैन बी एनी वोल्टेज बट नॉट इंपल्सिव, ये नहीं है कंडीशन. अब ये समझिए बेटा, ये कहना चाह रहा है कि ILT की वेवफॉर्म क्या होगी. तो अगर VLT कोई भी वोल्टेज हो, बस इंपल्सिव नहीं है, तो ILT की वेवफॉर्म क्या होनी चाहिए. ILT रिस्पॉन्स कैन बी, ILT रिस्पॉन्स कैन बी, ये है. तो मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, आप बताइए ILT कौन सा नहीं हो सकता है या हो सकता है. तो ऑप्शन ए बेटा, आई वॉन्ट टू गिव यू दिस वन, ILT बेटा, सिर्फ ILT बताना है और कुछ नहीं. ठीक है, तो ILT क्या नहीं हो सकता है या हो सकता है. सो दिस इज बेटा रिस्पॉन्स ए ILT के लिए. बी रिस्पॉन्स क्या है बेटा ILT का, वो कुछ ऐसा है, बी इज समथिंग लाइक दिस बेटा ILT. ओके, और भी दो ऑप्शन है बेटा अपने पास, तो उनको भी ड्रॉ कर देते हैं. सी ऑप्शन इज बेटा दिस वन. सी ऑप्शन बेटा दिस वन. डी ऑप्शन इज बेटा समथिंग लाइक दिस. ये कुछ बेटा, ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास. अब आप बता सकते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा आउट ऑफ दीज फोर. मतलब ये बंदा आपसे कह रहा है बेटा कि आपके पास एक इंडक्टर है, मैं फिर से क्लियर कर दूं बेटा, एक इंडक्टर है, इसके थ्रू बेटा कोई करंट है ILT और इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज है VLT. वो कह रहे हैं बेटा वोल्टेज कुछ भी बना रहे बट इम्पल्सिव नहीं है. ओके, इम्पल्सिव मतलब डेल्टी वोल्टेज नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है. तो बेटा करंट का रिस्पांस ILT क्या हो सकता है आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस बेटा. या कैन यू टेल मी अमन और एवरीवन बेटा. बस वोल्टेज आपका इंपल्सिव नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है बेटा. तो इंडक्टर करंट बिहेवियर बता सकते हो आउट ऑफ ABC और D. एंड बेटा प्लीज माइंड इट, ओनली वी हैव वन ऑप्शन करेक्ट, एक ही ऑप्शन इनमें से सही हो सकता है, ये ध्यान रखना. SSC JEE के हिसाब से कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है. ओके, या अमन और एवरीवन बेटा, काफी लोग हैं इस समय, तो दो तीन चार लोग हैं, तो बोलिए बेटा क्या ऑप्शन सही हो सकता है. इंडक्टर करंट, जस्ट बेटा इंडक्टर करंट रिस्पांस. और अमन अगर आप सही से सुनोगे बेटा तो मैं आपको बता रहा हूं 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका या सभी लोगों का बेटा. नॉट मोर देन 10 सेकंड्स वी रिक्वायर टू हैंडल दिस क्वेश्चन. अरे बालक, कोई डिसलाइक करके भी चला गया है, डिसलाइक विसलाइक किया करो बेटा, तो तुरंत आप वजह लिखा करो, ऐसे नहीं कि किसी के फ्रस्ट्रेशन में आके किसी चीज में आके डिसलाइक कर गए. ओके, डिसलाइक हमेशा देखो, जब किसी के बारे में बुरा कहो तो उसको वो बात बताओ. ओके, कि सर जी आपने ये दिक्कत की इसलिए मैं मतलब डिसलाइक कर रहा हूं, मुझे नहीं पसंद आया. ये नहीं आप बेटा मतलब वो नहीं है कि नहीं होता कि एक सेकंड में आए और डिसलाइक करके चले गए, आपको सब समझ में आ गया कि यार बड़ा खराब चल रहा है, इतना ही है. तो बेटा मेरे साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, फिर बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग. ओके,
तो बी सीरियस एंड बिफोर डिसलाइकिंग प्लीज अपडेट मी लाइक कि किस वे से आपको मतलब मुझे बताइए कि सर जी इस वे से आप मुझे पढ़ाइए तो मुझे अच्छा लगेगा, तो बोलेंगे तो फिल्टर आउट होंगी ना चीजें बेटा. या ओके सो आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स बेटा. तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर इंडक्टर करंट बेटा आपको ड्रॉ करनी है इन चार ऑप्शंस में से, और ये आपका क्वेश्चन है बेटा सिंपल सा, दिस इंडक्टर इज देयर, आईएलटी इज देयर, सम वीएलटी इज देयर, वीएलटी इज नॉट इंपल्सिव, बस इतनी बात बोली गई है. अच्छा ये पढ़ा है बेटा बचपन से अभी तक, इन इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज सडनली, याद आया, इन इंडक्टर बेटा करंट डज नॉट चेंज सडनली. अमन ऑप्शन ए बेटा, इन इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज सडनली. देखो बेटा ये इंडक्टर करंट कुछ कांस्टेंट है ऐसे, और आप सडनली चेंज कर दिए, सडन चेंज ऑफ करंट इन इंडक्टर बेटा नेवर अलाउड, यू नो वेरी वेल बेटा, सडन चेंज ऑफ करंट. देखो जैसे इंडक्टर में 10 एम्पियर करंट मान लो आप फ्लो हो रही है, यहां पे आप क्या कर दे रहे हो, सडन चेंज कब होता है इंडक्टर में, समझ रहे हो ना, याद नहीं है बेटा बचपन से पढ़ते हो, बीटेक में पढ़ा होगा, डिप्लोमा में पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा. तो बेटा इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज कर, सडन चेंज ऑफ करंट का बेटा अपोज करता है, वो सडन चेंज करंट नहीं होने देगा. इसका मतलब बेटा ऑप्शन ए गलत है. ऑप्शन बी में देखो बेटा, यहां कुछ 10 एम्पियर है और सडनली क्या हो जा रहा है बेटा, मान लो रफली ऐसे ही -20 एम्पियर हो जा रहा है, क्या इतना हैवी सडन चेंज इंडक्टर अलाउ करेगा, नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी भी गलत है बेटा. ऑप्शन सी में देखो, एकदम चेंज, फिर बेटा कांस्टेंट रहा, फिर चेंज, फिर कांस्टेंट रहा, फिर चेंज, ये बेटा सडन चेंज का ही तो इंडक्टर अपोज करता है, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ बेटा देखो, नो सडन चेंज, नो सडन चेंज, नो सडन चेंज, देन कांस्टेंट, कोई सडन चेंज मिला आपको, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करेंट. बोलिए बेटा. या अमन, नो इश्यू बेटा, नो नो इश्यू बेटा, वेरी नाइस, पक्का क्लियर है, बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन करते रहने हैं. ओके यस माय डियर फ्रेंड बेटा, अब अमन और सभी लोग बेटा इन क्वेश्चंस को एक बार हैंडल करिए, फिर कोई दिक्कत होती है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके कल फिर सेशन है बेटा 5 PM पे, बट मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट बेटा यू कैन आस्क, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, अगर आपको लगता है आपको कोई डाउट हो तो CIZ+ के ऐप पे जाइए बेटा, वहां अपना डाउट सेंड कर दीजिए. विद इन 24 आवर्स बेटा आई विल रिजॉल्व योर डाउट. प्लस बेटा सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, एंड इंस्टॉल द ऐप, एंड वी आर प्रोवाइडिंग बेटा 3 टेस्ट पेपर फॉर द SSC JEE बेटा, एंड इन दीज 3 टेस्ट पेपर्स वी हैव बेटा 2 टेक्निकल पेपर एंड 1 नॉन टेक्निकल पेपर. ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड all the concept with the video lecture and then handle the test series. Definitely beta, these test series and video session will be very very helpful for your career, okay, or for your exam. Yeah, thank you beta. Okay, thank you everyone.